उसमें बहुत भयंकर गलती हो गई आज तो, दिमाग खराब हो गया यार। जो बैग पैक था अपना, बैग जो लैपटॉप बैग बोलते, हालांकि उसमें लैपटॉप नहीं था, उसमें अपने बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स, कैमरे के इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें थी, बहुत गलत हुआ। तो दोस्तों, जहां हम रुके हैं उस कमरे की छत से आपको दर्शन करवा रहे हैं सोमनाथ महादेव जी के, और ये अंदर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, तो बाहर से फोटोग्राफी कर सकते हैं, बाहर से कोई दिक्कत नहीं है, लोग करते हैं, तो यहाँ से आप दर्शन कर लीजिए। बहुत ही खूबसूरत मंदिर, और बिल्कुल बीच के किनारे है, यानी समुद्र के किनारे है, तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर आप एक दिन पूरा दिन स्पेंड कर सकते हो, नज़दीकी गिर है यदि आप कभी आना चाहो तो नाइट में स्टे यहाँ कीजिए, सुबह गिर देखिए, फिर नाइट में आप यहाँ रुक सकते हो या द्वारकाधीश भी जा सकते हो। बाहर से एक बार मंदिर का व्यू देख लीजिए आप, और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अब इसके बाद में लगातार 2-3 वीडियो आएंगे आपके लिए गुजरात दर्शन के। ये हम कमरे का व्यू दिखा देते हैं जहाँ हम रुके हैं। कमरे की डील बहुत अच्छी मिली, हम 3 दोस्त थे और 600 रुपये में कमरा मिल गया, तो भाई इससे अच्छा और क्या चाहिए। और मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर, ये देखो यहाँ से भी मंदिर का ध्वज पताका फहरती हुई दिख रही होगी, तो जो मेन गेट है मंदिर के एंट्री करने का, उससे लगभग 200 मीटर दूर था। बहुत ही अच्छा कमरा है, बिल्कुल साफ़ सुथरा। तो अब चलते हैं, हम सीधे मिलते हैं आपको बाइक के ऊपर। तो दोस्तों, सोमनाथ जी के दर्शन करके हम निकल चुके हैं सोमनाथ जी से द्वारकाधीश के लिए। अब इस वीडियो में हम देखेंगे द्वारकाधीश और भेंट द्वारिका, और उसके बाद में हमारा प्लान तो है राजकोट रुकने का, यदि टाइम रहा तो हम सीधे जाएंगे बड़ोदरा। सुप्रभातम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। सोमनाथ से हम आ गए लगभग 10-12 किलोमीटर, सुबह 5:30 से चले थे, यहाँ पर आधे घंटे 30-40 मिनट का ब्रेक ले लिया। भाई अनुज और देवेंद्र साथ आए थे कल गिर तक, प्लान यही था कि गिर देखेंगे और गिर से हम वापस आ जाएंगे, आप चले जाना सोमनाथ। फिर हुआ ऐसा कि हम ऐसे जंगल के रास्ते में भटक गए, जो जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हमने गलत रास्ता ले लिया, और गलत रास्ता भी ले लिया, हमने गिर नेशनल पार्क डाला था। और आप भी यदि कभी आ रहे हो तो पिछला वीडियो देखें कि गिर नेशनल पार्क नहीं डाले, यदि आपको यहाँ आना है तो। ये देखे दोस्तों, हम चल रहे हैं बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे, और भाई क्या मौसम वाले नज़ारे हैं यार, बहुत शानदार जगह है। पिछले वीडियो में भी आपने सोमनाथ जी के जब दर्शन किए तो उस वीडियो में आपने देखा होगा, यदि नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए। गुजरात दर्शन के जितने भी वीडियो है ना भाई साहब, एक से बढ़कर एक है। बहुत खूबसूरत जगह है, बिल्कुल समुद्र के किनारे किनारे यार, क्या शानदार रोड है, क्या शानदार व्यू है यार, कहने के लिए शब्द ही नहीं है। और वो देखो सामने से एक नाव आ रही है, भाई ये कैसे चला लेते होंगे, हालांकि एक्सपीरियंस की बात है, देखो लहरों से बिल्कुल ही समुद्र किनारे किनारे चल रहे हैं हम। एक बार अपनी बाइक का भी व्यू ले लेते हैं, बहुत सारी नाव है यहाँ। ये है अपनी हिमालयन, लग रही है ना खूबसूरत। आते हुए भी 15 मिनट रुक गया क्योंकि यहाँ के सीन ही कुछ ऐसे हैं। एक बार फिर दिखाता हूँ आपको, देखो पूरे अरब सागर के नजारे, और बिल्कुल किनारे किनारे रोड यार। मैंने जब सुबह मैप में देखा तो मैप में ऐसे ही दिखा रहा था किनारे किनारे, लेकिन मैंने सोचा कि ये 2-3 किलोमीटर अंदर होगा तो भी मैप में किनारा ही दिखाता होगा, लेकिन भाई
ये रास्ता है, आप यदि सोमनाथ से द्वारका जाते हो या द्वारका से सोमनाथ आते हो, आते टाइम देखो वो वाली लाइन है तो उसमें इतना नहीं दिखेगा नजारा, लेकिन यदि आप सोमनाथ से द्वारिका जा रहे हो ना भाई, कति जहर है यार। रोड की खूबसूरती देखिए आप, कितना खूबसूरत रोड है, दोनों तरफ बिल्कुल ग्रीनरी हरियाली। अभी अब आपने देखा समुद्र तट, अभी बस ये है कि कभी थोड़ा सा अंदर, कभी थोड़ा सा बाहर, कभी थोड़ा सा अंदर, कभी थोड़ा सा बाहर, ऐसा ही चलेगा ही। और भाई ऐसा चला ना तो बिल्कुल मजा आ जाएगा। कितना कितना वजन, कितने कितने भारी सीन है यार। मैंने पिछले किसी वीडियो में कहा था, लेकिन उसके बाद में आज मौका मिला। देखो ये है पोरबंदर दोस्तों, ये यहाँ से लगभग 6-7 किलोमीटर साइड में है, जहाँ पर महान हस्ती महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। अब यहाँ के बारे में हमें पूरी डिटेल है नहीं कि यहाँ पर क्या क्या उनके बारे में संग्रहालय है या नहीं है, नहीं तो हम यहाँ रुकते। और थोड़े से आज क्या लेट भी हो रहे हैं, तो अगली बार के लिए छोड़ देते हैं। बहुत भयंकर गलती हुई आज, तो इन गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। दिमाग खराब हो गया यार। जो बैग पैक था अपना, बैग जो लैपटॉप बैग बोलते हैं, हालांकि उसमें लैपटॉप नहीं था, तो उसमें अपने बाइक के सारे डॉक्यूमेंट्स, कैमरे के इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीजें थी, बहुत गलत हो रहा है। भगवान जो करता है ठीक करता है। वैसे चार किलोमीटर बाद में जाके याद आया, जहाँ पर मैंने आपको जो सीन दिखाया ना समुद्र का, वहाँ जाके जैसे ही मैं खड़ा होकर बाइक चलाने लगा, तो अचानक मुझे लगा कि यार पीछे कुछ है नहीं। एक बार तो मैं उसको मिस भी कर रहा था उस चीज़ को, कि यार क्या दिखाएंगे, समुद्र 2-3 बार दिखा दिया है। फिर भाई द्वारकाधीश सोमनाथ जी की कृपा से तुरंत याद आ गया। लाइफ में ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी शायद अब, क्योंकि इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी हर चीज़ का अपने पास बैकअप है, लेकिन ग्लव्स का कोई बैकअप भी नहीं है। कल अपने ग्लव्स छूट गए भाई देव के कमरे से, जैसे ही निकले यहाँ रखे थे टैंक बैग पे, हेलमेट उलमेट लगा लिया, पीछे बैग बांध दिया और फिर चलने लगे। अब यहाँ देखो, ऐसे जैसे ही मैं ऐसे खड़ा होकर, आपको व्यू दिखा रहा था जो अभी आपने 1 मिनट पहले देखा होगा वीडियो में, ऐसे खड़ा होकर दिखा रहा था, तो उस टाइम मेरे को ध्यान आया और फिर मैं यहाँ से लगभग यहाँ से फिर यू टर्न लेकर रॉन्ग साइड गया, क्योंकि भाई बैग रखा था। लोग ईमानदार है यहाँ के, पर पता नहीं किसकी क्या नज़र पड़ जाए। जो ढाबे वाला था जहाँ पर हमने चाय पी थी, वो तो अच्छा ठीक ठाक आदमी लगा, पर पता कोई दूसरा बाइकर सो, उसको ध्यान हो कि हाँ ये कोई भूल गया, और कुछ भी हो सकता है भाई। लेकिन एज इट इज़ मैं तुरंत 5 मिनट में वापस पहुंच गया एज इट इज़। ऐसा नहीं कि भाई मैं इधर आ गया तो उसको उठा के अंदर रख ले या उसमें कुछ चेक करे क्या है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल जैसे रखा था वैसे वैसे मिल गया। बिल्कुल भाई यार, आज तो गए थे काम से, चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। तो दोस्तों द्वारकाधीश से यदि हम भेट द्वारिका जाते हैं, तो रास्ते में ये टाटा केमिकल फैक्ट्री आती है, यहाँ देख भी सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम देखें, क्योंकि हम वैसे पहले से ही लेट हो रहे हैं। नाव यहाँ भी बहुत सारी खड़ी हैं, अब किससे पूछा जाए, क्योंकि तो कई जगह कुछ इनके लोग होते हैं जो हो सकता है गलत जानकारी भी दे दें, कई जगह तो डर सा भी लगता है। बिल्कुल सुनसान ऐसी जगह घुसा देता है। ये था रोड, इसने हमें कहाँ से लिया है ये पता नहीं। ये है रोड, फसवाएगा किसी दिन ये। Yeah.
अरे सर राजस्थान से है हम तो। इधर से भी हो गांव गांव के आदमी को भी मनाए, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है। प्लीज नहीं वो कर लें कोई बात नहीं, यहाँ से तो देख लें। खड़े आगे से दीवार टूटा हुआ है उधर से दिखेगा, आगे से आपको दिखेगा। कारण क्या है सर, बंद बंद क्यों है? कर्फ्यू लगा हुआ है डिमोलिशन के हिसाब से। अच्छा अच्छा तेरी मर्जी। भेट द्वारिका से हम वापस आ गए हैं, 50 किलोमीटर फटका लग गया बेमतलब का, न दर्शन हो पाए न कुछ हो। अब वापस पहुंचे हैं द्वारका, द्वारिकाधीश के दर्शन करते हैं। अब मुझे तो लगता नहीं कि यहाँ भी कैमरा अलाउ है या नहीं है, लेकिन यदि हुआ तो आपको दर्शन करवाएंगे, नहीं हुआ तो हम करके आएंगे और फिर आपको शब्दों में बयां करेंगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं द्वारकाधीश, अब देखते हैं कैमरे उमरे अलाउ है या नहीं है। द्रावती मोक्ष द्वार, अब मुझे अच्छी तरह पढ़ना भी आता है कि द्रावती है पार्वती है। मैंने सोचा पार्किंग उर्किंग है कुछ या पता नहीं किस नाम के। ये सामने जो दिख रहा है ध्वज फहरता हुआ, यही लगता है कि द्वारकाधीश का मंदिर है। अब बस यहाँ तो एक प्रार्थना है भगवान से, ये भगवान जी यहाँ की तो वीडियोग्राफी अलाउ करवा दे, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर हमारा तो आने का। तो वह दर्शन तो हो गए आराम से, और एक छोटी सी बाहर से क्लिप बनाई वो भी आपको दिखा दी। अब देखो जहाँ पर जो नियम कानून जो है ना वो तो है, उसको तो हमारे हाथ में धैने बदलना, वो क्या कारण क्या रीज़न है उसके कहीं ना कहीं सोच समझ के बनाए होंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, वीडियो देखने का मतलब है भाई। क्योंकि यदि आप कहीं से भी आ रहे हैं और आप किसी भी यूट्यूबर का या कोई भी यदि उसके बारे में कोई जानकारी दे रहा है तो उसको हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है। अब मैं जो आपको जानकारी बता रहा हूँ ना उससे कैसे आसानी होगी, मंदिर खुलने का टाइम क्या है, मंदिर के पट कब बंद होते हैं, बाहर जो सामान रखने की जो व्यवस्था है उसका भी टाइमिंग है। तो यदि आप उस टाइम शेड्यूल के हिसाब से आओगे ना तो आपका टाइम बचेगा। यदि आप 10-20 मिनट लेट आ रहे हो, भाग दौड़ करके आ रहे हो कि हम पहुँच जाएंगे और यहाँ आए और मंदिर के कपाट बंद, 1 से 5 बजे तक बंद रहता है, क्या फ़ायदा? यदि आप 12 बजे के आसपास आ रहे हैं तो आपका औचित्य बनता है। यदि आप 12:30-1 आ रहे हो फिर मंदिर बंद हो रहा है, फिर उसके बाद जूता घर बंद हो जाएगा, आप दर्शन कर लोगे तो सामान जो जहां लोकर व्यवस्था है वो सामान नहीं मिलेगा, बैठे रहो 5 बजे तक। और यदि आपको जानकारी है तो फिर आप आराम से, क्या वो पता है कि आप लेट हो रहे हैं तो आसपास कहीं आराम कर सकते हो और कहीं दूसरे जगह घूम सकते हो। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। पोरबंदर 103 है, जिस रास्ते से हम आए हैं उसी रास्ते से हम वापस जा रहे हैं। अब वो कहाँ तक जाएंगे ये तो हम थोड़ी देर बाद में खाना खा के और फिर आपसे बात करेंगे, सिर्फ मंदिर की पूरी डिटेल और बताएंगे आपको। पहले थोड़ा सा नाश्ता कर लिया जाए, अब ये 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर कब मिलेगा। 12 बज गए हैं लगभग, 40-50 मिनट में दर्शन कर लिए हमने, ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी क्योंकि ऑफ सीज़न है एक तरह से, दशहरा है त्यौहार है सब लोग घर रहते हैं, हमारे जैसे यायावर जो लोग हैं वो ही निकलते हैं क्योंकि हमें छुट्टियां ही त्यौहार पे मिलती हैं। समस्या ये भी है,
शौक नहीं है कि बाहर घूमने का या घर पे त्यौहार न मनाएं? सभी मनाना चाहते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। कोई नहीं आ रहा है उसकी अपनी मजबूरी है, कोई आ रहा है तो उसकी भी अपनी मजबूरी। तो दोस्तों 5 घंटे हो गए लगातार बाइक चलाते, बीच में 2 जगह पेट्रोल लिया है, एक बार 5-7 मिनट का स्टॉपेज लिया है। दोस्तों कमर की बच चुकी है अच्छी तरह से बैंड, 670 किलोमीटर चल चुके हैं आज में, कुछ कल के थके हुए हैं, कुछ लगातार चल ही रहे हैं। और 120 किलोमीटर और बच रहा है, 119 किलोमीटर तो आज हो जाएगी लगभग 790-800 मान के चलो। तो अब सीधे मिलते हैं आपको बड़ोदरा में, देखते हैं कितने बजे पहुंचते हैं, ज़्यादा अंधेरा हो गया तो सुबह ही मिलेंगे सीधे। और कल का प्लान है केवड़िया का, बाकी वहाँ चल के देखेंगे कि कल जाएंगे या परसों जाएंगे।